आज हम जिस धरती में खड़े हैं उस धरती में ढलता है लोहा, बनता है फौलाद, जिसकी शिक्षा की चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक होती है, और जहां के किसानों के बनाए उत्पाद जो हैं और वो देश नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बनते हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश ठाकुर और कहता है वोटर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस जगह की चर्चा करने वाले हैं वे बेहद ही खास जगह है, जिसे दुर्ग का नाम दिया जाता है। दुर्ग लोकसभा की चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है तमाम कांग्रेस और बीजेपी के लोग यहां पर मौजूद हैं, आम जनता भी यहां पर मौजूद है, और आज हम बात करेंगे लोकसभा की और जानेंगे कि किस तरह से मुद्दे रहे हैं, किस तरह से मुद्दे बनेंगे, क्या अपेक्षाएं थी, कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई, तमाम चीजें यहां पर आज डिस्कस की जाएगी। तो आधा घंटे के भीतर में हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बीजेपी की ओर चलते हैं। दिनेश जी, बताइए कि किस तरह से मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुद्दा कुछ भी नहीं है, देश की जनता के मन में स्पष्ट है, उन लोगों ने बना लिया है मन। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कोई भी ऐसा योजना नहीं है हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री जिसने गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सभी वर्गों को जो प्रभावित किया हो, लाभान्वित किया हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो विपक्ष बता सके। हर जगह से विकास ही विकास है, लोग विकास को वोट दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ये लगातार चलता रहे इसके लिए आप देखेंगे कि इस बार 400 के पार का नारा वो पूर्ण होगा। ठीक है, विकास की जीत है, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस के लोग, हम सीधा बात करेंगे, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्या मानते हैं? 300 सीट भी बीजेपी इस बार नहीं आएगी। चार सांसदों ने अपनी टिकट वापस कर दी है। बीजेपी के सांसद जिनको टिकट मिली थी वो चार लोगों ने वापस कर दी है, और केवल झूठी घोषणाएं, बेरोजगारी का नारा उनका फेल हो चुका है, युवकों को नौकरी देने की बात उनकी फेल हो चुकी है। ये अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महतारी बंधन की जो बात की थी, चुनाव के टाइम फॉर्म भराए गए, लेकिन उसके बाद फिर से फॉर्म भराए गए। देखिए किस तरह से मानते हैं कि अभी कह रहे हैं कि झूठी घोषणाएं की जा रही है, महतारी बंधन के साथ धोखा किया गया है। अभी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 70 लाख महिलाओं के ये फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं, तो वो कहां से, तो वो कहां से इतने आए? जी नहीं, संभव ही नहीं। 2.5 करोड़ के इस प्रदेश में 1 करोड़ 83 लाख महिलाएं हों। हमने आयकर दाता और तृतीय वर्ग से ऊपर के शासकीय सेवक को छोड़कर सबको दिया है। ये महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1 रुपया बहनों के बारे में नहीं सोचते। जब हम 3 तलाक के बारे में सोचते हैं, जब हम महतारी बंधन के बारे में जो सोचते हैं, तब तक कांग्रेस की पेट में पीड़ा होती है। हम बहनों के लिए काम करते रहेंगे, इन्हें जितना विरोध करना है वो करते रहें। राम हर हिंदू का है, कोई मोदी जी ने पैटर्न नहीं बनाया है, राम हर हिंदू का है। और आम आदमी पार्टी के भी है, मेहरबान जी क्या कहना है? राम मंदिर है। ये जो बात कह रहे हैं ना, अब बेरोजगारी को ले लें, इसराइल में, रूस में ये लोग मजदूर सप्लाई कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का स्तर क्या है? सिर्फ धर्म के नाम पर इनको राजनीति करनी है। आप आजादी से लेकर के अभी तक की बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। सत्य की जीत हो रही है, असत्य की हार हो रही है, और जनता न्यायाधीश है, जनता का दरबार है, और इस बार 400 पार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकसित भारत योजना की बात कही जा रही है और भारत न्याय योजना की बात कही जाती है, क्या कहना है? देखिए, भारत तो विकसित था और विकसित भारत को मोदी जी बेच रहे हैं, समझ गए ना? ये भारत को विकसित किए थे कांग्रेस के लोगों ने और पूरे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, है ना? अब इसको समय मिला है तो पूरे देश को मोदी जी बेच रहे हैं। आज सिर्फ जुमला IIT बांध, ढाकर भांग, सुई से लेके रेल से लेके हर एक चीज हमारी बनाई गई है। और मोदी जी का मैं आपको 9 से 10 साल में बता दूं कि हम जिसको बनाए हैं, हमारे पूर्वज जिसको बनाया है, मोदी जी उसको बेच रहे हैं, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। ये जिन लोग रेल और जो बेचने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, उसको सुधार रहे हैं। जो लोग केवल सरकारी तनख्वाह पाते थे और काम नहीं करते थे, ये उनके लिए है। जिन लोग बोलते थे ये मेरा संपत्ति है, वास्तव में मोदी जी के नीतियों के कारण आज सभी वर्गों की उन्नति हो रही है। जो सुई से लेकर रेल तक की बात करते हैं वो आज सब जेल जा रहे हैं, उन्होंने इतना घोटाला किया है वो लोग। चलो आप कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देखिए क्या सोचते हैं। अब फिर से चुनाव की बारी आ गई, फिर से मतदान करने की बारी आ गई, बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे सिर्फ प्रचार और प्रसार में दिख रहे हैं,
बाकी आप जमीनी स्तर में आप देखिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको प्रचार और प्रसार के माध्यम से सिर्फ अपना वहाँ वही लूटना चाह रहे हैं। हम लोग महिला विरोधी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये आज महतारी वंदन योजना के तहत जो योजना लाई गई है, ये साल भर डेढ़ साल बाद यही लोग इनका कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? और ये योजना सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के हवाले से दे करके ये योजना बंद कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये लोग खुद बेरोजगारी भत्ता खा गए और जो महतारी वंदन योजना का विरोध कर रहे हैं मेरे साथी पार्षद, एक मिनट, जो मेरे साथी पार्षद महतारी वंदन का विरोध कर रहे हैं सबसे ज्यादा भाव इन्हीं के बात से भराया होगा। पूरे विश्व में आज मोदी जी का वर्चस्व है, वर्चस्व बढ़े, देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आप जहां भी देखेंगे, मैं मोदी का परिवार, मेरा परिवार मोदी का परिवार, सारा देश मोदी का परिवार आज ये बोल रहा है और आने वाले समय में हम 400 पार है। महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं, देखिए आप किस तरह के मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दे तो कोई नहीं है, सिर्फ विकास ही विकास है हमारा मुद्दा, शहर का विकास। चलिए तो देखिए, शहर का विकास हो, लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, इसको लेकर जो है आम मतदाता जो है इस बार वोट करेगा। और भी इनके कई दावे हैं और कई वायदे हैं, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जो दावे हैं वो कितने हकीकत रूप लेते हैं। कुछ शहर में और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, तो उनसे भी चर्चा करने के लिए हम आपको ले चलते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री युवाओं के साथ बातचीत करते हों, जिस देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मौका देते हों, उन्हें लोन देते हों, उनको रोजगार देते हों, ऐसे यूथ जो है लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ में एक बड़े यूथ यहाँ पर मौजूद है, एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब जब ये वोट देंगे पहली बार तो किस तरह से उनके मुद्दे होंगे, किस तरह से उनके विचार होंगे और वो किस तरह से जनप्रतिनिधि चाहते हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे सर से। किस तरह से देखिए, अब फिर से लोकसभा चुनाव की बारी आ गई है, देश को कैसा देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कैसा देखते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सर सीए केतन थक्कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सर मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ लोअर क्लास के लिए जहाँ से वोट मिलता है उनके प्रति गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट को कि सभी के लिए ध्यान दे, क्योंकि एक टैक्स पेयर हैं तो वो भी टैक्स देते हैं, उनका भी पैसा लगा हुआ रहता है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, लोअर मिडिल अपर क्लास, सभी के लिए गवर्नमेंट ऐसा योजना बनाए, ऐसी बजट बनाए कि सभी के फायदे के लिए काम हो। चुनाव की बारी आएगी, आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोचते हैं, किस तरह के भाव है और आने वाली सरकार साहब क्या चाहे? सर जैसा कि एक हम स्टूडेंट हैं, हम कोचिंग आना जाना करते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब जो भी आए सरकार वो थोड़ा सा गांव के रोडों में और शहरी रोडों में जो भी है उन पर थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रोड पर ध्यान दिया जाए। जी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस तरह से पीएम ने कहा है कि कई तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, लोन देने की बात हो रही है, नए नए संस्थान खोले जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? जी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी स्टेप्स सरकार ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों के लिए हमको अडॉप्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाए, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बाहर भी अपने आप को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके। तो मैं सरकार से चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिए। सर दो बातें नई सरकार से मैं चाहता हूँ, जिसमें से एक आपने जो सवाल पूछा कि बहुत सारा काम पिछले कुछ सालों में सरकार ने किया है, चाहे वो स्कूल्स हो, डैम्स हो, ब्रिजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ हुए हैं, मगर फिर जब हम देखते हैं तो इस देश में सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वाला टैक्स पेयर नहीं है, जीएसटी के रूप में हर व्यक्ति टैक्स पे करता है, और हम ये समझ सकते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से ये सभी संस्थान और चीज़ें और रोड, डैम, ब्रिजेस बनते हैं। मेरी ये इच्छा है कि ये जो बनती है इसके दायित्व निर्धारण जरूर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ब्रिज बनता है और उद्घाटन होने से एक दिन बाद बह जाता है, या जो बिल्डिंग्स बनती हैं नई बिल्डिंग बनने के बाद उसमें सिपेज आ जाता है, जबकि आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ 100-100 साल पुराने अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए ब्रिज आज भी अगर चालू हैं और हमारे देश का बनाया हुआ नया ब्रिज अगर बह जाता है, तो इसके दायित्व निर्धारण जरूर होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं जब हम एक यूथ के रूप में देखते हैं कि ये सब होने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सेफ्टी को लेकर क्या चाहते हैं आप सरकार से? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को ध्यान दें और सुने बात, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें सब। चलिए,
एक बड़ा मुद्दा है ये भी सब की, कुछ और लोग हमसे बातचीत करेंगे। देखिए आप लोग देश का भविष्य कहलाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है आपके द्वारा, कैसा सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आने वाले समय में आप वोट देने जा रहे हैं? सर मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट ये कि जो भी पार्टी अभी इलेक्शन जीतेगी, जो भी वो प्रोमिसेस करते हैं, जो वादे वो करते हैं, एटलीस्ट उस पर वो खड़े उतरे। जितना भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोड से लेकर चाहे एजुकेशन को लेकर, उस पर वो अच्छे से काम करें। देखिए पीएम ने कई सारी योजनाएं लागू की है, चाहे वो ऋण देने की बात की हो, चाहे उनका स्वावलंबी बनने की बात हो, है ना, कि अपना रोजगार कायम कर लें, क्या लगता है कि कितना ये कारगर है, और यदि नहीं है तो और क्या चाहते हैं आप लोग? सर जो योजनाएं हैं वो बस नाम भर की नहीं होनी चाहिए, और जो योजनाएं हैं वो मतलब पीपल्स को पहुंचनी चाहिए जिनके लिए वो बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो बस नाम भर के हैं, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट होते जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है कि हम बस नाम भर के लिए गवर्नमेंट स्कूल बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम नाम भर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर उनका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही नहीं मीट करती। एजुकेशन एज पर पहले के हिसाब से अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे कंट्री पे प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलता है एज पर थियोरेटिकल। हमारे कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज ही उस पर ज़्यादा होता है, तो मैं ये चाहती हूँ बींग अ यूथ कि हमको प्रैक्टिकली उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि स्टूडेंट्स और ग्रो कर सके और हमारा यूथ और पावरफुल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जैसे इंडिया बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है, तो मेरी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन अभी आने वाली गवर्नमेंट से ये कि टूरिज्म पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो पाए, क्योंकि छोटे छोटे से हम छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ में बहुत छोटी छोटी ऐसी जगहें हैं जो बहुत सुंदर है, जैसा कुछ कल्चरल जिसकी स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। तो उससे दो फायदे होंगे, फ़ायदा ये होगा कि बहुत लोग टूरिस्ट के रूप में यहाँ आएंगे, अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ की इनकम भी जनरेट होगी और लोगों को रोज़गार भी उस चीज़ से मिलेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टूरिस्ट पार्ट में भी, सेक्टर में भी गवर्नमेंट को इस बार कुछ नए डिसीजंस या कुछ अपलिफ्टमेंट्स लाने चाहिए। पीओके हमारे इंडिया में शामिल होना चाहिए। और सेकंड ये है कि जो हमारे रेलवे से टाइमिंग है वो अभी बहुत लेट चल रही है, जैसे हम कहीं निकल रहे हैं, कहीं जाना है हमको, तो 8-8 घंटा, 16-16 घंटा, 20-20 घंटा लेट हो रही है ट्रेन। सुबह की ट्रेन 5 बजे की ट्रेन शाम को 4 बजे डेस्टिनेशन से ही निकल रही है, तो हमारा जो टाइमिंग है वो सब बिगड़ रहा है। तो रेलवे से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे अपने टाइमिंग को ठीक करे। एज ए यूथ आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को लगता है कि सरकार को रोजगार देना चाहिए सर, क्योंकि आज के डेट में युवा बहुत है सर, तो और सर कोरोना काल के कारण बहुत सारे युवा आजकल सब बेरोजगार हैं, तो सर सरकार से यही निवेदन है कि वो रोजगार प्रोवाइड करे, और सर अगर रोजगार दे भी रहे हैं तो एक फेयर। चलिए तो देखिए ये यूथ है जो बता रहा था कि इस तरह से डेवलप होना चाहिए, किस तरह से इनकी सोच है, आने वाली सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि वे इन सभी चीज़ों में ध्यान दें और आने वाले समय में जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत किया जाए। चलिए आगे पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे और भी लोगों के किस तरह के विचार हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की दूसरी ओर। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के सबसे खास इंदिरा मार्केट में, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा मार्केट है। यहां पर शहर के ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, और जब यहां पर ग्रामीण आते हैं, शहरी लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से ये मार्केट काफ़ी अहम हो जाता है, और आम मतदाता जो है वो अक्सर यहीं पर आता है, और यहां से ही देखा जाए तो जो भी चीज़ बातें होती है, जो भी बातें सामने होती है वो देश को प्रभावित करती है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, आम मतदाता हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अंकल, एक 5 साल के बाद में फिर से मौका आ रहा है वोट देने का, कैसा देखते हैं, कितनी अपेक्षाएं थी, कितनी पूरी हुई मोदी सरकार? नहीं, चुनाव आता है वोट देने जाते हैं जी, वोटिंग करते हैं, फिर चुनाव आ रहा है फिर वोट देंगे, फिर क्या मुद्दे होंगे? हाँ, किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा क्या मुद्दा है, हम लोग जो वोट देने का हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदारी देने जाते हैं जी। कैसी रही सरकार के 5 साल का, कैसे देखते हैं? अब सरकार का तो जो आती है सरकार, अपने अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाती है जी। चलिए कुछ लोग आ रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, जा रहे हैं मोदी सरकार के, फिर से चुनाव होगा, फिर से आप मतदान करेंगे, किस तरह के मुद्दे होंगे आप? हमारे मुद्दे तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वही देश विकास करे, जो भी चीज़ें हो राष्ट्र के हित में हो, बाकी बेरोजगारी पहले भी थी, कोई नई नहीं हुई है। आप लोग वोट दोगे अभी फिर से, आप तो प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो कैसा चाहते हैं, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अच्छा रहना चाहिए भैया प्रधानमंत्री। क्या क्या चाहते हैं उनसे? पूरा मतलब देश के रक्षा करे, सेवा अच्छा करे, और सबके देख रेख अच्छा करे, वैसे अलग प्रधानमंत्री चाहिए।
हमारा ये कहना है कि जो मोदी जी का विजन है वो महिलाओं को तो सशक्त करना ही है, मगर अंतिम वर्ग में खड़े हुए जो गरीब है, निचले दबले कुचले लोग हैं, जो किसी कारणवश या आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए भी एमएसएमई के द्वारा बहुत सारे प्लान दिया गया हुआ है। क्या चाहता है देश का भविष्य? देश का भविष्य नौकरियां चाहती है सर, और विकास भी होना चाहिए जो हमें दिख रहा है नरेंद्र मोदी के सरकार में। को यहाँ पे अगर रोजगार मिलेगा तो हम गलत वे में जो जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो भी असामाजिक तत्व है उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी दिशा मिलेगी, तो नशा ये सब छोड़ के वो देश के हित में काम करेंगे मोदी जी से प्रेरणा लेके। चलिए तो देखिए, ये थी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता जो क्या कह रही है वो आपने सुना। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या 400 पार का जो अभियान चल रहा है बीजेपी का वो सफल होता है या कांग्रेस के अधूरे सपने पूरे होते हैं। चलिए अगली बार फिर किसी लोकसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए आगे दीजिए, नमस्कार।